ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतीये नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊँ, पायो अचल अनुपम ठाऊँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुगनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूँ जुगती ने काल त्यों लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहि कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागरे, पंडित मूढ़ मलिन उजागरे। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभावो, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोती। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जहि, सचिव सुमति कपि भालु। होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुने अघे नर कहु ना के सकूरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठाउर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनिया वे लोग की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही नेकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और भी अपने सुचिता रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। राहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोय कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेंटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदघन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सब हैं को नीक, ज्यों यह साची है सदा तौ नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाई। बरनौ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव।